ग्वाडालूप की माँ मरियम ग्वाडालूप की कुमारी के रूप में भी जानी जाती हैं। माँ मरियम को कैथोलिक कलीसिया द्वारा धन्य का शीर्षक दिया गया है। इसका संबंध दिसंबर 1531 में हुए पांच मरियन की एक श्रृंखला के साथ है। मैक्सिको की बेसिलिका के अंदर एक चबूतरे पर हमारी लेडी ऑफ ग्वाडालूप की आदरणीय छवि है। बेसिलिका दुनिया में सबसे अधिक देखा जाने वाला कैथोलिक तीर्थ स्थल है और दुनिया के पवित्र स्थलों में तीसरा अधिक देखा जाने वाला स्थल है। 19 दिसंबर 1531 को पहली बार माँ मरियम ने दर्शन दिया। जुआन डिएगो नामक एक मैक्सिकन किसान ने टेपेक की पहाड़ी नामक स्थान में एक युवा महिला की दृष्टि को अनुभव किया। वह महिला जुआन डिएगो से उनकी भाषा निहुत लंगुगे में बात कर रही थी। उन्होंने महिला को कुमारी माँ मरियम ईश्वर की माँ को पहचाना। माँ मरियम ने डिएगो से कहा उस स्थल में उनके सम्मान पर एक चर्च बने। उन्हीं शब्दों के आधार पर जुआन डिएगो ने तब मैक्सिको सिटी के आर्च बिशप की तलाश की ताकि उसे बताया जा सके कि क्या हुआ था, परंतु बिशप ने डिएगो पर विश्वास नहीं किया। उसी दिन जुआन डिएगो ने दूसरी बार युवती को देखा। युवती ने बिशप से बार बार आग्रह करने को कहा। आर्च बिशप ने साफ मना करते हुए कहा कि उस युवती को अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई चमत्कारी संकेत देना होगा। उसी दिन तीसरी बार दर्शन तब हुआ जब डिएगो टेपियाक वापस लौटे और उसी महिला को बिशप के अनुरोध के बारे में बताया। माँ मरियम ने अगले दिन एक चिन्ह प्रदान करने के लिए कहा। सोमवार 11 दिसंबर को जुआन डिएगो के चाचा जुआन बर्नार्डिनो बीमार पड़ गए थे, इसलिए जुआन डिएगो को उनके पास जाना पड़ा। मंगलवार 12 दिसंबर को उनकी हालत बिगड़ गई। जुआन डिएगो एक पुरोहित की खोज में कोतले टलेल को गए ताकि जुआन बर्नार्डिनो अपना आखिरी पाप स्वीकार कर सके। वे नहीं चाहते थे कि माँ मरियम से वह देर में मिले, इसलिए उन्होंने पहाड़ी के आसपास वाला मार्ग चुना। लेकिन माँ मरियम ने उन्हें रोक दिया और पूछा कि वह कहाँ जा रहा था। जुआन डिएगो ने समझाया कि क्या हुआ था। माँ मरियम ने उन शब्दों का प्रयोग किया जो ग्वाडालूप घटना के सबसे प्रसिद्ध वाक्यांश बन गए हैं और ग्वाडालूप के बेसिलिका के मुख्य द्वार पर खुदा हुआ है। क्या मैं यहाँ नहीं? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? क्या तुम मेरी छाया और सुरक्षा में नहीं? क्या मैं तुम्हारे जीवन का सोता नहीं? क्या तुम मेरी बाहों के सानिध्य में नहीं? क्या इनके अलावा तुम्हें किसी और चीज़ की आवश्यकता है? उसने उसे आश्वासन दिया कि जुआन बर्नार्डिनो अब ठीक हो गया है और उन्होंने उन्हें टेपियाक पहाड़ी के ऊपर से फूल इकट्ठा करने को कहा जो सामान्य रूप से बंजर था, परंतु जुआन ने निर्देश अनुसार काम किया और पाया कि कैस्टिलियन गुलाब जो मैक्सिको में नहीं पाया जाता है वहाँ खिल रहा है। कुमारी माँ मरियम ने जुआन डिएगो के कपड़ों में फूलों की व्यवस्था की। 12 दिसंबर को जुआन डिएगो आर्च बिशप से मिलने गए और जब जुआन डिएगो ने उस कपड़े को खोला तो उस पर से फूल फर्श पर गिर गए और वहाँ ग्वाडालूप के माँ मरियम की छवि बन गई। अगले दिन 13 दिसंबर को जुआन डिएगो ने अपने चाचा को पूरी तरह से स्वस्थ पाया। जुआन बर्नार्डिनो ने कहा कि उन्होंने पांचवी बार अपने बिस्तर के किनारे माँ मरियम को देखा। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे बिशप को चमत्कारी इलाज के बारे में सूचित करें और उन्होंने बताया कि वह ग्वाडालूप के शीर्षक के नाम से जानना चाहती है। बिशप ने पहले जुआन डिएगो के कपड़े को अपने निजी चैपल में रखा और फिर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए गिरजाघर बनाया जहां बहुत से लोगों का ध्यान गया। दिसंबर 1531 को एक जुलूस का गठन किया गया जहां ग्वाडालूप की कुमारी की छवि को टेपियाक के एक चैपल में स्थापित किया गया था। यह कथित तौर पर पहला चमत्कार प्रदर्शित किया गया जब एक भारतीय
गर्दन में तीर लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ मार्शल प्रदर्शनों के दौरान यह दुर्घटना हुई। भारती उसे ग्वाडालूप की कुमारी की छवि के सामने ले गए और उसके जीवन की याचना की, और उसके बाद पीड़ित जल्द ही ठीक हो गया। जुआन डिएगो को 2002 में संत पिता जॉन पॉल द्वितीय द्वारा संत जुआन डिएगो क्यू हेल्टे टोएजेटिन के नाम से चिन्हित किया गया।